तो दोस्तों वैसे तो दुनिया के अंदर भारत के कई सारे मित्र देश हैं, पर यदि भरोसेमंद मित्रों की बात करें तो दुनिया के अंदर गिने चुने ही ऐसे देश हैं जिन पर भारत दिल से भरोसा करता है। पर यदि यही देश भारत के साथ कुछ ऐसा काम कर दें जिससे भारत को बहुत बड़ी ठेस लगे तो भारत भी सोचता है कि आखिर दुनिया के अंदर भरोसा करें तो किस पर करें। और आप सभी को भारत का प्रोजेक्ट P75 तो याद ही होगा, जहाँ पर भारत के कुछ भरोसेमंद मित्रों ने ही भारत को तकनीक देने से इनकार कर दिया है। और सबसे पहले जर्मनी, फिर रूस और बाद में फ्रांस भी अब इस प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका है। और नौबत यहां पर आन पड़ी है कि भारत सरकार को अब प्रोजेक्ट P75I बंद भी करना पड़ सकता है। चलो जर्मनी की बात तो चलती है, क्योंकि जर्मनी के साथ हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि रूस और फ्रांस के साथ हैं। पर रूस और फ्रांस तो भारत के एक प्रकार से लंगोटिया यार ही कहे जा सकते हैं, और इन्होंने भी भारत की मदद करने से इनकार कर दिया। जबकि जो रूस है वो चाइना को एडवांस सबमरीन की टेक्नोलॉजी दे रहा है, साथ में फ्रांस ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी परमाणु पनडुब्बी की तकनीक देने को तैयार है। जब बात आई भारत को अपनी किलो क्लास की डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की तकनीक देने के बारे में, तो ये दोनों ही देश भारत की मदद करने से पीछे हट गए। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि भारतवासियों की रगों में जो खून दौड़ता है उसने कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा। चाहे हमारे मित्र देश हमारी मदद करें अन्यथा ना करें, हम हमारी तकनीक को खुद ही बना लेंगे परंतु किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और दोस्तों इसी बात को भारत के वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है। भारत की किलो क्लास की सबमरीन के लिए एडवांस AIP सिस्टम को बनाकर लिया है तैयार। अब AIP सिस्टम की बात करें कि आखिरकार यह है क्या, तो AIP सिस्टम के बारे में बस आप इतना समझ लीजिए कि पनडुब्बी को चलाने के लिए जिस पावर हाउस और जिस ताकत की आवश्यकता पड़ती है वो इसी AIP सिस्टम के माध्यम से आती है। और मुझे यह बात मालूम है कि अभी भी कुछ लोगों को यह जो खबर है वो झूठी लग रही होगी, तो रेफरेंस के लिए आप सभी के स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट शो हो रहा होगा जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि DRDO ने इंडियन नेवी से एक किलो क्लास की सबमरीन को मांगा है जिसमें स्वदेशी रूप से डेवलप किए गए AIP सिस्टम का परीक्षण DRDO करेगा। और इस खबर के आते ही DRDO के साइंटिस्टों ने एक बार फिर से भारत का सिर गर्व से ऊपर की ओर उठा दिया है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने खुद के दम पर ही स्वदेशी AIP सिस्टम को डेवलप कर लिया है। खैर दोस्तों आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है, और क्या आप सभी को भी लगता है कि फ्रांस और रूस ने हमारे साथ जो किया वो गलत था या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में फिर आवश्यक दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।